अस्सलाम वालेकुम। आज है अगस्त 7, 2023 और आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसमें CS-160 फॉर्म फिलिंग, उसमें क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उसकी फ़ी कितनी है, ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता चलूँ, जब आप अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि B1 B2 विजिटर वीज़ा होता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, ठीक है। उसमें अगर आप को डिटेल थोड़ी सी दे दूं, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करने जा रहे हैं, कोई किसी कंसल्टेंट के साथ कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, या कोई आपका एग्रीमेंट वगैरह है उसको आपने नेगोशिएट करना है, तो वो आप B1 वीज़ा, जो कि बिजनेस वीज़ा कहलाता है, उसमें अप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से B2 वीज़ा, जिसमें आप सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं, या आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड या किसी को मिलने जा रहे हैं, तो उसमें आपको B2, ठीक है, विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी फ़ी कितनी है, वो है $185, ठीक है। जो पहले 160 थी, अब जो बढ़ के $185 हो चुकी है। और ये भी आपको पता चलो कि आप वीज़ा जब अप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 353 डेज जो है ना, वो आगे चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल। अगर आज अगस्त है, तो आपको नेक्स्ट अगस्त 2024 में जाके अपॉइंटमेंट मिलेगी। अच्छा, ये मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि USA वीज़ा के लिए कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको पहले प्रिपेयर करके अपनी सॉफ्ट कॉपी, या उसको कह लें कि अपनी हार्ड डिस्क में सेव करने हैं, ठीक है, ताकि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके पास रेडी हो, एक फोल्डर के अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जो कि एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्कैन कॉपी फर्स्ट एंड सेकेंड पेज की। उसके बाद आपकी एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 सेंटीमीटर्स, मैंने प्रॉपर जो है ये इमेज साथ लगा दी है, जो कि US की वेबसाइट से उठाई है, ठीक है, मैंने वो आपने अपनी एक बना के रख लेनी है। इसके अलावा ID कार्ड आपके पास आपका अपना होना चाहिए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स का, ठीक है, ID कार्ड, या उनका डेटा, जिसमें उनका ID कार्ड नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये मस्ट है। ये 3-4 चीज़ें आपने अपने पास लाजमी रखनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान बनाया है, तो उसकी ट्रैवल आइटनरी अपने पास रख लें, कोई टिकट वगैरह रिजर्व की, कोई होटल बुकिंग वगैरह। होटल बुकिंग आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो भी होटल बुकिंग कर लीजिएगा, booking.com, agoda.com, या बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री कैंसिलेशन के साथ देती हैं ऑफर्स, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अमेरिकन एड्रेस तो होगा नहीं, अगर आप अपने किसी रिलेटिव के मिलने जा रहे हैं, तो फिर तो आपके पास उनका रिलेटिव का एड्रेस होगा, उनकी फिर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। अब जिनका नहीं होता वहाँ पे कोई भी, तो उनके लिए ये है कि होटल बुकिंग करें, US एड्रेस होटल बुकिंग का लगाना होता है, उसमें उसका ईमेल और फ़ोन नंबर लिखना होता है। ये 3, 4, 5, 6 चीज़ें थी जिसको आपने एक सॉफ्ट कॉपी में रख लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, और वहाँ पर US Form 160, ठीक है, इसको DS-160 बोलते हैं, उसको सर्च आउट करना है। तो चलें, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, आपने गूगल ओपन कर लेना है, CS-160 US फॉर्म आपने टाइप करना है, सर्च करना है, आपके पास ऐसी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो सबसे टॉप पे आ रही होगी, US ट्रेवल डॉक्स के नाम से। आपने इसको ओपन कर लेना है, विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह की, ठीक है। इसमें आपके सारे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। वीज़ा टाइप्स पे क्लिक करेंगे, ऑल टाइप्स आ जाएंगी, वीज़ा फी, अपॉइंटमेंट टाइम, वे टाइम, सब कुछ आ जाते हैं। हम फॉर्म DS-160 को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। इसमें आपने ब्राउज डाउन करके लाना है, तो अप्लाई फॉर अ वीज़ा अप्लाई अप्लाई फॉर वीज़ा करेंगे तो हमारे पास ऐसा विंडो ओपन होगा, उसमें फिर ये 6 स्टेप्स आपको शो कर रहा है सारा, ठीक है, 1 बाय 1। अपने स्टेप 2 में से DS-160 फॉर्म को क्लिक कर लेंगे, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपने अपना कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करना है, मेरे केस में पाकिस्तान और इस्लामाबाद में सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन आती हैं, चीकू भी आ जाती हैं। तो बाद कैप्चे कोड है, कैपिटल लेटर में सारा होता है, वो एंटर करना है और स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर, ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, आई एग्री कर देना है, और नीचे करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन ID नंबर अलाट कर दी जाती है, ठीक हो गया।
ये आपने सेव कर लेनी है किसी जगह, लिख लीजिएगा, पिक्चर बना लें, स्क्रीन शॉट ले लें, इसी से आपका सारा आगे काम होने वाला है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए अपना कोई भी क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको आंसर करना है। मैंने फर्स्ट वन निकाल लिया और यहाँ पर आपका कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करेंगे, इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमारे पर्सनल क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैवल के बारे में, ठीक है, ट्रैवल प्लान वगैरह, फिर उसके बाद आपकी ट्रैवल कंपेनियन कोई अकेला है, सोलो है या किसी के साथ जा रहे हैं, फिर आपका प्रीवियस यूएस ट्रैवल के बारे में पूछा जाएगा, इसी तरह एड्रेस एंड फोन नंबर इन पाकिस्तान पूछा जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह, फिर यूएसए कॉन्टैक्ट, फैमिली एंड वर्किंग एजुकेशन वगैरह, ठीक है, ये मैं फॉर्म फिल करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको लेके जाता हूँ। इस तरीके से ये देखें, फॉर्म मैंने फिलअप कर लिया, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, नेक्स्ट पर्सनल टू पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है, सेव तो बाद लीजिए ताकि वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट पर्सनल टू में देखें, वो आपसे आपकी नेशनैलिटी का पूछ रहा है, और मैं आपको फिलअप करके ना ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रीव्यू देख लें, ठीक है, नेशनैलिटी पाकिस्तान आ गई। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है किसी और कंट्री की है या नहीं अकॉर्डिंग टू यूएस सीन, ठीक है, और इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन का भी। उसके बाद आपका आईडी कार्ड नंबर, मैंने रफ्ती को डाल दिया है, यूएस सोशल नंबर नहीं है, नहीं है, ठीक है, डज नॉट अप्लाई, अगर है तो आप डाल दीजिएगा और नेक्स्ट दबा दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में अब आपका ट्रैवल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये है कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, तो उसमें आपने उसको बता देना है बिजनेस बी टू बिजनेस प्लेजर, ठीक है जी। उसके बाद आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू मेड अ स्पेसिफिक प्लान, अगर आपने बनाया तो यस कर लीजिएगा, नहीं बनाया तो नहीं, ठीक है, वो कर लीजिए आपको। उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि आपके ट्रिप कौन जो है ना वो पे कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कितना वहाँ पर स्टे हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इंटेंट डेट ऑफ ट्रैवल अराइवल सॉरी, तो वो आपने उसमें डाल दीजिए कि मैं कौन सी डेट पर जा रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही ये सेल्फ कि मैं आपको फॉर्म फिलअप करता हूँ, फिर नेक्स्ट मैन्यू ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर आपसे यूएसए का एड्रेस मांगते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था कि होटल बुकिंग या फिर booking.com से आपने एड्रेस जो भी होटल जहाँ पर स्टे करेंगे वो दे देना है। यहाँ पर ये फिलअप करेंगे, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, जिप कोड अगर आपको नहीं मालूम गूगल से सर्च कर लीजिएगा, सो ईजी है। और इसी तरीके से एक्सपेंसिव फोन बियर कर रहा है आपने उसका मैंशन कर देना है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट दबा देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। दीदी आपसे पूछ रहे हैं कि आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, यस आर नो, तो नो, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट, इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप सब फिल कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये प्रीवियस ट्रैवल आपसे पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन यूएसए, नो, एवर बीन इशू अ यूएस वीज़ा, नो, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज यूएस वीज़ा, अगर आपके केस में यस आर नो है, पहले कभी अप्लाई नहीं किया हुआ तो नो ही होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर फिल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन अकॉर्डिंग टू यूर सीन, मैं नो करता हूँ और नेक्स्ट के बाद इन्हें तो फिलअप कर लेना है, ठीक है। आपका पाकिस्तान का होम एड्रेस वगैरह आपने इसमें भर लेना है, और साथ में फ़ोन नंबर, ठीक है, इस और इसी नेक्स्ट उसमें आप जाएंगे तो आपकी पासपोर्ट डिटेल्स होंगी। नेक्स्ट उसमें यूएसए का कॉन्टैक्ट, वो मैं आपको पहले भी बताया कि होटल पर जो आपने डाला है वही डालना है इसमें। और फैमिली डिटेल्स में आपके पेरेंट्स का पूछा जाएगा कि आपने पेरेंट्स में आईडी कार्ड नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और क्या करती हैं, मदर क्या करती हैं और फादर क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी इसके बारे में। बाद आपसे वर्क एजुकेशन पूछा जाएगा, और फिर आपसे सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पूछा जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना, इसमें आपने फिलअप कर देना है, ये सारी चीज़ें फिल करके एक आपके पास प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट आपने अपने पास सेव कर लेना है, और वो फिर लेके जाना होता है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, हर चीज़ में सच बोलना है, झूठ किसी में नहीं बोलना, इससे आगे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और की पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा मैं फिलिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें ये होगा कि फिर ये वीडियो मेरी जो है वो हाइड कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। मेरा मकसद था आपको गाइड करना। ये सारा फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको एक MRV, ठीक है, वो रसीद मिलता है, नंबर होता है, जो आपको शुरू में मैंने बताया था सेव कर लीजिएगा। वो आपने फ़ी जमा करवानी है लाइट बैंक में, 300 रुपये, आज 7 अगस्त 2023 को वो बता रहे हैं यूएसए वाले डॉलर रेट, उस हिसाब से आपके पर 55,000 रुपये बन जाती है, 185। वो ऐड करेंगे 24 आवर्स बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक होने के, या आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर ये लिखा आ रहा होता है शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना दोबारा, जब आप फीस जमा करवा चुके होंगे तो फिर आपके पास ये आपके नाम रहती है। स्क्रॉल डाउन जाएंगे तो यहाँ पर आपने फिर उसको फिलअप कर लेना है, ठीक है ना, शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके।
RNO फिर आप 24 आवर्स के बाद एलिजिबल होते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट अभी तो अगस्त की मेरी है 2024 की, उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा मकसद था आपको वीडियो में गाइड करना और ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।